नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास। इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाया गया बेरोजगार और जुमला दिवस। कृषि कानूनों का एक साल काला दिन मनाने दिल्ली पहुंचे बादल। शंघाई सहयोग संगठन में बोले मोदी, कट्टरता पर किया हमला। हर्षमंदर के समर्थन में 600 शख्सियतें, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी सरकार को घेरा। और तीसरे दिन भी सोनू सूद के यहां पहुंचे आईटी अधिकारी, शिवसेना ने बीजेपी को घेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। सत्य हिंदी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी। लेकिन आज का दिन लोगों ने कैसे मनाया? अच्छी बात है, बहुत सारे कार्यक्रम किए बीजेपी के, जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के मंत्रियों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, अखबारों ने विज्ञापन निकाला और उनकी जो छवि है उसको चमकाने की कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और उन्हें महान सुधारक, स्वप्न दृष्टा, विश्व गुरु, भारत कैसे बन सकता है, तमाम उपलब्धियां मोदी जी को लेकर गिना दी गई। यानी कि उनका जन्मदिन एक अवसर बना उनकी छवि को चमकाने के लिए, क्योंकि आपने देखा था कि कोरोना काल में और उससे पहले जब ये विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे थे तो उसमें मोदी जी की आलोचना कितनी ज्यादा हुई थी। तो आज जितने भी एड्स आए थे, जितने भी एडिटोरियल्स निकले थे, उसमें मोदी जी को महान सुधारक बताया गया है, स्वप्न दृष्टा बताया गया है, और टीकाकरण, खेल, महिला विकास, संस्कृति, आर्थिक विकास, ये सारी चीजों से आज नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को जोड़ा गया है, ये कहते हुए कि देखिए अब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन ये तो मोदी जी के समर्थकों ने किया, लेकिन मोदी जी की यानी कि बीजेपी की जो आईटी सेल है, आज उसको सोशल मीडिया पर एक कड़ी चुनौती दी जो विपक्षी नेता हैं और जो युवा हैं खासकर। वो इसलिए क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंड हुए और युवाओं ने रोजगार मांगा और मोदी जी को याद दिलाया कि देखिए आप याद करिए अपने पुराने दिन, जब आप वीडियोस पोस्ट होते थे उनके कि गली गली में वो नौकरियों को देने की बात करते थे। एक वीडियो में पकौड़े तलने वाले बयान को लेकर भी तंज कसा गया है। तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और जुमला दिवस जैसे जो हैशटैग्स हैं वो ट्रेंड कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जो जुमला दिवस की बात है, उसकी घोषणा जो युवा हल्ला बोल जो प्लेटफॉर्म है उसने किया था, और उसने ये कहा कि पीएम बनने के पहले रोजगार को लेकर कई भाषण मोदी जी ने दिए थे, तो वो भाषण उन्होंने पोस्ट किया। हर गली मोहल्ले में रोजगार के वायदे करते फिरते थे, कहां गया रोजगार? उसके बाद पकौड़े तलने वाली बात हमने आपको बताई थी। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय भारत में है। एक ट्विटर यूजर ने तो जुमलों का केक ही काट दिया। और बीवी श्रीनिवास, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी आपको बधाई नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का बड़ा सा बैनर लिखकर। तो और एक ट्विटर यूजर ने एनसीआरबी का डेटा गिना दिया, जिसमें कि बहुत सारे युवा अब आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो इस तरीके से मनाया गया नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। तो अगर नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन अगर साथ में आज वो देश को सांत्वना दे देते, खासकर देश के युवाओं को जिनके पास आज रोजगार नहीं है, तो शायद इस तरीके के हैशटैग्स उभरते हुए नहीं दिखते सोशल मीडिया में। लेकिन सेलिब्रेशन तो एक तरफ है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर संवेदनशील है कि आज कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप की मौत कोविड के दौरान हुई है, वो सारे जवाब अभी नरेंद्र मोदी को देने बाकी हैं। वो भले अपना जन्मदिन मना ले, लेकिन जो भारत की हकीकत है, जितना भी विकास बीजेपी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन एक बहुत बड़ा भारत का तबका है जो कि एक बहुत ही संवेदनशील और दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। क्या नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर इन लोगों से बात नहीं कर सकते थे? क्या नरेंद्र मोदी आज का दिन, जिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, आज उन मुसलमानों से बातचीत करने में नहीं कर सकते थे? तो ये सारे बड़े सवाल देश के सामने खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन जरूर मनाएं, अच्छी बात है,
और भगवान उन्हें लंबी आयु दे, लेकिन जो देश का दर्द है, देश की जो चिंता है, आम जनता के जो इश्यूज हैं, कम से कम नरेंद्र मोदी उसको लेकर थोड़ा संवेदनशील हो जाएं, तो उनका जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है जनता की कि उनका जो दुख दर्द है उसमें शामिल हो नरेंद्र मोदी, और फिर शायद उससे अच्छा जन्मदिन नरेंद्र मोदी के लिए नहीं होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कृषि कानून की, जिसको आज पूरा एक साल हो गया, यानी कि 17 सितंबर 2020 के दिन जो 3 कृषि कानून थे उनको संसद में पास किया गया था। और संसद में पास करने के बाद अगर आपको याद हो तो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, शिरोमणि अकाली दल जो थे, उन्होंने अपना रिश्ता बीजेपी से इसीलिए खत्म कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि पंजाब में इतने सारे किसान हैं और देश भर के जो किसान हैं उनके हित में नहीं है ये कृषि कानून। और इसी एक साल को मनाने के लिए आज शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर हैं सुखबीर बादल और जो पूर्वी केंद्र मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने गुरुद्वारा रकाबगंज से लेकर संसद तक एक मार्च निकाली। और उस मार्च में उन्होंने ये आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करने की कोशिश की, गाड़ियों पर हमला किया, जबकि पुलिस का ये कहना था कि विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति यानी कि परमिशन नहीं ली गई थी। तो क्या हुआ, सुखबीर बादल को और हरसिमरत को और उनके साथ 15 ऐसे लोग थे जिनको हिरासत में लिया गया। और किसानों और बहुत सारे अकाली जो थे जो इकट्ठे हो रहे थे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में, उनको रोका भी गया। तो आज सवाल ये उठता है कि कृषि कानून को एक साल हो गए हैं लेकिन कोई भी चीज अपनी जगह से बदली नहीं है। किसानों की जो हालत है वो दिन पर दिन और खस्ता होती चली जा रही है। वो बात दूसरी है कि जो सरकार है वो ये कहती है कि देखिए हम रोज रोज एक घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जो किसानों की जमीनी हकीकत है वो उनकी जिंदगी बद से बदतर है। ना उन्हें MSP मिल रही है, ना उन्हें मूल जो उनकी जो मेहनत का दाम है वो उन्हें मिल रहा है, जमीन से वो वंचित हैं। भले सरकार उन्हें एक सम्मान निधि और जो 50 तरीके की जो घोषणाएं सरकार करती है वो ये कहती रहे। दूसरी बात ये कि जो किसानों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार बना हुआ है और किसानों ने ये कह दिया है कि अब वो बीजेपी को चुनावी राज्यों में भी चुनौती देंगे। यानी कि कृषि कानून को पास हुए एक साल हो गया लेकिन जो वायदा किया गया था कि किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, किसानों का फायदा होगा इन तीनों कृषि कानून से, तो वो स्थिति बद से बदतर हो गई है। उल्टा सरकार के विरोध में किसान समुदाय खड़ा हो गया है। तो क्या इसी उद्देश्य से क्या इस कानून को पास किया गया था? और अगर ये उद्देश्य नहीं था तो फिर सरकार अभी भी किसानों से बातचीत करने के लिए क्यों हिचकिचा रही है? यानी कि ना बातचीत है, ना किसानों की कोई सहमति है, ना किसानों से बातचीत का रास्ता खुलने की कोई दिशा नजर आ रही है। उल्टा किसान सरकार के विरोध में एक बड़े समुदाय के रूप में खड़े हो गए हैं और अब वो सारे चुनावी राज्यों में जाकर ये बोलेंगे कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो क्या यही फायदा देख रही थी मोदी सरकार? इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं और ये जुड़ी हुई है शंघाई संयुक्त संगठन यानी कि SCO समिट से, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21वीं काउंसिल है हेड्स ऑफ स्टेट SCO को, उसको संबोधित किया, वर्चुअली किया। और ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है उसकी होस्टिंग ताजिकिस्तान ने की थी। ईरान इसमें एक नया मेंबर के तौर पर जुड़ा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, ये सारे नए डायलॉग पार्टनर्स के रूप में शामिल हुए। लेकिन जो मौका था, उस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार तालिबान और अफगानिस्तान में जो शासन है उसको लेकर अपनी एक चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संदर्भ में जिस तरीके की एक तालिबानी शासन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का राजपाट वहां पर उभर रहा है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको रोका जाना चाहिए और ये इस समय बहुत जरूरी है अगर हमें विकास के रथ को आगे बढ़ाना है। और कट्टरपंथी ताकतों के बारे में जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो चुनौतियां हैं कि शांति कैसे आए, सुरक्षा हम कैसे निपटे, और जो एक भरोसे की कमी सारे जो SCO मेंबर्स हैं उनमें आ गई है, तो उस चीज को पटरी पर लाने के लिए ये जरूरत है समय समय की
कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनसे फाइट आउट किया जाए। और जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी खुद एक कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं, भले ही वो जो उनकी इमेज है वो ग्लोबल इमेज है, वो ग्लोबली अपने आप की जो इमेज है वो एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ग्लोबल जब वैश्विक स्तर पर वो बात करते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि उनसे बड़ा लोकतंत्र का पैरोकार और कोई नहीं है, उनसे बड़ा मानवाधिकार का पैरोकार कोई नहीं है। लेकिन जब घर की बारी आती है, अपने घर की बारी आती है, अपने पार्टी की बारी आती है, तो वो कट्टरपंथी ताकत जिससे वो लड़ना चाह रहे हैं वो कहाँ चला जाता है। जब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी कभी उनसे नहीं बोलते और कुछ भी नहीं कहते। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को कहा कि सेंट्रल एशिया में मॉडरेट इस्लाम को लाने की बात कही है, यानी कि कट्टरपंथी और बहुत ऑर्थोडॉक्स इस्लाम नहीं बल्कि मॉडरेट इस्लाम को लाया जाए सेंट्रल एशिया में। और दो चुनौतियां उन्होंने बताई, एक जो धार्मिक कट्टरपंथी, एक जो धार्मिक कट्टर पंथी सोच है, और दूसरा रेडिकलाइजेशन है कि किस तरीके से जो हमारे नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो अगर मुसलमान यानी कि इस्लाम की अगर बात की है और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को निशाना बनाकर अगर नरेंद्र मोदी ने बात किया है तो सवाल ये उठता है कि इस्लामिक कट्टरपंथी सोच के बारे में अगर नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर बोलते हैं तो जो हिंदू कट्टरपंथी सोच है उसका क्या होगा। कट्टरपंथ सोच जो होती है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। लेकिन अगर कट्टरपंथी सोच के खिलाफ एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से लड़ने की और निपटने की का समय आ गया है, अगर विकास के रथ को आगे बढ़ाना है, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदू कट्टरपंथी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कोई सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी सोच ऐसी क्यों है। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से जो 53 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जब डिस्कस किया जा रहा था तो उसको तुरंत वहां पर धमकी भरे ईमेल्स भेजे गए ताकि जो जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पीछे हट जाएं। तो ये एक हिंदू कट्टरपंथी सोच का मैंने आपको उदाहरण दिया और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो देश में भरे पड़े हैं। तो इस्लामिक कट्टरपंथी सोच से अगर नरेंद्र मोदी निपटने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी कट्टरपंथी सोच का एक दूसरा पहलू है हिंदू कट्टरपंथी सोच। क्या नरेंद्र मोदी आज हिंदुत्ववादियों से ये पूछेंगे कि वो कट्टरपंथी सोच वो कब हटाएंगे और कैसे होगी भारत की विकास यात्रा शुरू। अगर ग्लोबल स्तर पर वो इस बात को कहते हैं तो डोमेस्टिक स्तर पर वो ये बातें क्यों नहीं कह पाते। क्या नरेंद्र मोदी इस समय दो चेहरे लेकर चल रहे हैं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर और एक डोमेस्टिक लीडर के तौर पर। डोमेस्टिक लीडर का चेहरा वो है जो कि चुनाव के बारे में, रिलीजियस पोलराइजेशन के बारे में सोचता है, ध्रुवीकरण के बारे में सोचता है और विश्व में अपनी छवि को चमकाने के लिए हम लोकतंत्र की बातें करते हैं, हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से लड़ने की बातें करते हैं, हम इस्लामिक मॉडरेट इस्लाम को लाने की बात करते हैं। तो ये दो चेहरे नजर आते हैं, उसमें कोई तालमेल नजर नहीं आता। और कट्टरपंथी सोच जिसके अगेंस्ट आज प्रधानमंत्री ने बोला है तो उसका कोई धर्म नहीं है। अगर इस्लामिक कट्टरपंथी सोच के बारे में बोल रहे हैं तो हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी सोच से भी सवाल करने चाहिए नरेंद्र मोदी को। आइए अब आगे चलते हैं। अब अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है इस छापेमार दौर से जुड़ी हुई, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय जांच एजेंसीज छापे मार रही हैं, या तो सोनू सूद के ऊपर या फिर हर्ष मंदर के ऊपर। अब हर्ष मंदर के जो साउथ दिल्ली का जो उनका घर है, अदचिनी का उनका कार्यालय है, उनके दो आश्रय गृह थे उम्मीद अमन और खुशी रेनबो, वहां पर छापे मारे गए थे। और कल ये खबरें आई थी कि जब वो नहीं थे, जर्मनी चले गए थे और जर्मनी जाने के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके घर पर, कार्यालय पर और जो आश्रय गृह है वहां पर छापेमारी की। छापेमारी का इंटेंशन क्या था, क्या नियत थी, किस नियत से किया गया, इसके बारे में कोई अभी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से फरवरी में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया था, फिर उसके बाद एनसीपीसीआर ने केस किया कि एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में जो बच्चे हैं उनके आश्रय गृह के, उनका इस्तेमाल हर्षमंदर ने किया, तो उसी से जुड़े हुए ये रेड्स थे। लेकिन हर्षमंदर का जिस तरीके से इनके ऑफिस और उस पर रेड डाले गए हैं उसको लेकर
जितने भी शिक्षाविद लोग हैं, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म निर्माता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने खुलकर इसकी आलोचना की है और उन्होंने एक साझा बयान जारी किया है। और उस ये जो पूरी एक लंबी लिस्ट है, इसमें इतिहासकार राजमोहन गांधी, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, मेधा पाटकर, जॉन रेज जैसे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। और उन्होंने अपने संयुक्त बयान में ये कहा है कि जो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज है, जिसे कि खुद हर्षमंदर संचालित करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक साल से उत्पीड़न का शिकार है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाई कि हर्षमंदर ने कोई पैसे की गड़बड़ी की थी या कानून का उल्लंघन किया था। तो ये जो रेड्स हैं, ये बेसिकली धमकाने, डराने और चुप कराने की एक तरीके से कोशिश है। लेकिन इन सभी जानकारों का ये मानना था कि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है, वो आज भी बरकरार है और अंत में उसकी जीत होगी। यानी कि ये जो रेड्स डाली जा रही हैं, इसको लेकर भी कोई ना कोई लीगल एक्शन होगा। और ये इस बात का संकेत है कि किस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो एक साथ आ गया है। और जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, चाहे वो हर्षमंदर के ऊपर हो या फिर किसी और के ऊपर हो, सारा इंटेलेक्चुअल क्लास अब एकजुट हो गया है। ये इस बात का भी संकेत है कि मोदी जी के कार्यकाल में जो लोग मोदी जी के नीतियों की आलोचना करते हैं, तो उनके ऊपर छापेमारी होती है, उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है, उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है, और वो भी जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग भरपूर तरीके से किया जाता है इन इंटेलेक्चुअल्स को डराने के लिए, चुप कराने के लिए, और सारे इंटेलेक्चुअल्स को एक संदेश भेजने के लिए कि अगर आपने मुंह खोलने की कोशिश की या नीतियों के आप खिलाफ गए, तो फिर आपका भी वही हश होगा जो हर्षमंदर का हुआ है। लेकिन जब ये इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि हमारे देश का संविधान और कानून आज भी जिंदा है, तो जाहिर सी बात है कि एक आस्था है अपने संविधान में, और इसी आस्था ने लोगों की आवाज बुलंद की है, इसी आस्था ने इन सारे इंटेलेक्चुअल्स को एकजुट किया है ताकि वो नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों का विरोध कर सके। हर्षमंदर के केस में ह्यूमन राइट्स वॉच, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि इस तरीके से जो छापेमारियां हो रही हैं वो अच्छी नहीं है, और ऐसा लगता है कि लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी आखिरी खबर सोनू सूद से जुड़ी हुई है, जो कि जाने माने एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और सुर्खियों में आए थे जब लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जितने प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद की थी। कोरोना काल में भी वो निकल कर सामने आए, उन्होंने लोगों की मदद किया, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, खाने के पैकेट्स पहुंचाए और एक तरीके से लोगों के बीच वो मसीहा बनकर उभरे। और फिर क्या हुआ उसके बाद, अभी हाल में वो आम आदमी पार्टी का जो प्रोग्राम है देश के मेंटर्स, उसके साथ वो जुड़े, जो कि स्कूली बच्चों के साथ है। और ऐसा लगता है कि उसके बाद अब सोनू सूद की शामत नहीं है, क्योंकि सोनू सूद के घर आईटी रेड्स पड़ रही हैं, उनके ऑफिसेज में आईटी रेड्स पड़ रही हैं, और लगातार आज तीसरा दिन है जब ये खबर सामने आई है। और सोनू सूद, ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी को और जो जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनको इनसिक्योर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अब ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनू सूद अगर लोगों के बीच में मसीहा बनकर निकले और लोग ये सोचने लगे कि देखिए मोदी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो इसके पहले कि वो और आगे बढ़े, उनके ऊपर छापेमारी करो, उनका मनोबल गिराओ और उनको दबाने की कोशिश करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी की नाराजगी सोनू सूद से है या फिर सोनू सूद के किए गए अच्छे कामों से है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सोनू सूद को लेकर इनसिक्योर हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन जब से वो आम आदमी पार्टी से मिले और जो देश का मेंटर्स प्रोग्राम के साथ वो जुड़े हैं, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में खलबली मच गई है और इस खलबली की वजह से आईटी रेड्स उन पर बार बार गिर रही हैं। और विपक्षी नेताओं ने तमाम जमकर सरकार को इस पर घेरा है, और शिवसेना की जो स्पोक्सपर्सन है मनीषा कायनाडे, उन्होंने भी कहा है कि ये देखिए सिलेक्टिव टारगेटिंग की जा रही है लोगों की और ये तो एक तालिबानी विचारधारा का प्रतीक है, ऐसा शिवसेना ने कहा है, सरकार को घेरने की कोशिश किया है। और बिल्कुल जो साफ नजर आता है कि जो भी अच्छा काम करता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी उसे घेरने की कोशिश करती है, उसको डराने की कोशिश करती है, उसको धमकाने की कोशिश करती है। लेकिन
क्या सोनू सूद इस चीज से उनका मनोबल कम होगा या फिर उसको वो एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनकर और आगे बढ़कर अपने अच्छे कार्यों को आगे करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को सोनू सूद के अच्छे कामों से और उनकी जो शख्सियत है उससे थोड़ा डर लगने लगा है। तो अगर बीजेपी डरने लगी है तो डर की वजह से उनके ऊपर छापेमारी हो रही है, डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसा हमने देखा, सोनू सूद का अच्छा काम क्या किसी के डराने और धमकाने से रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा, सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।